नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कोपागंज ब्लॉक अंतर्गत कांची कला गांव के मदर मॉडर्न स्कूल में जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा गांव की महिलाओं को चौपाल लगाकर विधवा पेंशन सहित डायल 112 सहित 181 एवं महिला हेल्पलाइन 190 सहित सरकार की कई योजनाओं के बारे में बताया गया। महिलाओं को उनके अधिकार को बताने के साथ साथ पुलिस द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली कानूनी सहायता के बारे में भी जिला प्रोबेशन अधिकारी के अधिकारियों ने बताया। जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय की संरक्षण अधिकारी चंदा साहनी ने महिलाओं को जन चौपाल के माध्यम से कोरोना में मृत हुए परिवारों को दिए जाने वाले आर्थिक मदद, महिला हेल्पलाइन 181 हेल्पलाइन, वुमेन एम्पावरमेंट एवं 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन सहित विधवा पेंशन के साथ साथ सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में बताया गया। वही इन योजनाओं में लगने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई। महिलाओं को होने वाले शारीरिक शोषण होने पर महिला हेल्पलाइन के 181 हेल्पलाइन में डायल कर मदद लेकर अपनी समस्या को पुलिस के समक्ष रख सकती हैं। पुलिस द्वारा महिलाओं को हर एक मदद इस हेल्पलाइन के माध्यम से दी जाती है। आज किस तरह से किस तरह का कार्यक्रम आज बाल कल्याण विकास अधिकारी के कलेक्ट्रेट से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ पे क्या किया गया उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में और नरेंद्र मोदी जी का 1915 में ये अभियान शुरुआत हुई थी और उसको योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया। बेटियाँ समाज देश की मान और सम्मान हैं और इनकी जो शिशु दर जो घटते क्रम में है उसको रोकने के लिए इन योजनाओं को भी लागू किया गया और बेटी है तो कल है इन सब चीज़ों का ये हुआ। बच्चों के माध्यम से निबंध प्रतियोगिता कराई गई, कविताएं लिखवाया गया, स्लोगन का एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए, ये सब चीज़ें विभाग के माध्यम से मदर मॉडर्न स्कूल पे संपन्न कराया गया। हाँ, जैसे समृद्धि योजनाएं, बालिका विकास योजनाएं, इन सब के बारे में बताया गया। यहाँ ग्रामवासियों की कुछ महिलाएं भी आई थी और अगल बगल से कुछ बच्चियां भी आई थी जो 14 वर्ष की हैं, उनको सब इस सब चीज़ों की शिक्षा विभाग द्वारा मिला। मैम, आज किस तरह की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कार्यक्रम हो रहा है, आज कहाँ पे हो रहा है? ये हमारा मदर मॉडर्न स्कूल कांची कला में हो रहा है प्रोग्राम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अभियान चल रहा है, उसी अभियान के अंतर्गत ये प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें बच्चियों को तरह तरह की प्रतियोगिताओं को करा करके उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उसका उत्साहवर्धन किया जा रहा है और इसमें बहुत अच्छे से लड़कियां भाग भी ले रही हैं बहुत उत्साह के साथ। और कई स्कूलों में हम लोगों ने किया है और यहाँ भी उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जिसे बच्चियों का उत्साहवर्धन इससे किया जा रहा है ताकि बच्चियों के अंदर ये भावना हो कि हम भी आगे चल करके कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। इनके अंदर भी ये चीज़ आ रही है कि सरकार हमारे लिए भी सोच रही है और हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और हम लोग भी आकर के इनको का उत्साहवर्धन करते हैं बातों के जरिए, प्रतियोगिताएं करा करके प्रतियोगिताओं के जरिए तो ये बच्चियां काफ़ी उत्साह के साथ इसमें भाग ले रही हैं। मेरा नाम चंदा साहनी है, मैं महिला कल्याण विभाग जिला प्रोबेशन ऑफिस कलेक्ट्रेट से आई हूँ, मैं संरक्षण अधिकारी के पद पर हूँ। आज महिलाओं को किस तरह की योजनाओं के बारे में और उनके अधिकार के बारे में बताया गया? आज जो है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से हैं, सरकार की सारी योजनाओं के बारे में उनको जानकारी नहीं है, उन महिलाओं को एकत्रित करके जो है महिला कल्याण विभाग से चलित समस्त योजनाओं के बारे में, जैसे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हुआ, विधवा पेंशन हुआ और सबसे प्रमुख योजना जो है वन स्टॉप सेंटर केंद्र गवर्नमेंट से चलाई जा रही है उसके बारे में बताया गया और सारे हेल्पलाइन नंबर जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी है उनके बारे में ग्रामीण महिलाओं को जानकारी दी गई तथा महिला कल्याण विभाग से वन स्टॉप सेंटर जो है चलाया जा रहा है, चल रहा है इस समय,
उसकी जानकारी दी गई और उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। क्या है वन स्टॉप सेंटर? वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी सुविधाजनक महिलाओं के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट का एक पहल है जिसमें किसी भी प्रकार की पीड़ित महिला को अल्पावास, पुलिस सुरक्षा, मेडिकल सुरक्षा और कौशल विकास की व्यवस्था हमारे वन स्टॉप सेंटर में है। अगर वो महिला किसी भी कोई भी महिला हो, जीरो से लेकर लास्ट एज तक की, बुजुर्ग हो या छोटी बच्ची हो या जिस भी उम्र की महिला हो, उनका अगर किसी भी प्रकार से वो परेशान है, बच्ची है, विद्यालय नहीं जा रही है, शादीशुदा महिला है, उनको घर में दहेज के लिए या पुरुष संतान नहीं होने के लिए या जिस भी प्रकार से उनको अगर परेशान किया जा रहा हो, मारा पीटा जा रहा हो, तो वो वन स्टॉप सेंटर में आकर के और शिकायत कर सकती हैं और उनकी जो है पूरी मदद की जाएगी। वन स्टॉप सेंटर में हमारे समस्त कर्मचारी जो है महिला कर्मचारी हैं, महिला अधिकारी हैं, पीड़िता की पूरी मदद करेंगी और इसी के बारे में जानकारी दिया गया है आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को। महिलाओं को इन सब अधिकारों को बताने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि सरकार की सारी योजनाएं जो है जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, ग्रामीण हो, शहरी क्षेत्र हो, हर जगह जो है सरकार की सारी योजनाएं और सारी महिलाओं के सुविधा के लिए जो जो भी महिलाओं की मदद के लिए जो भी सुविधाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से, वो हर महिला तक, हर घर तक, गांव, ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, शहरी क्षेत्र की महिला है, सभी तक पहुंचे और सभी लोग उसका लाभ उठावे। कोई भी महिला किसी भी प्रकार से परेशान ना रहे, प्रताड़ित ना रहे और वो ऐसा ना हो कि सरकार की किसी भी योजना से वो वंचित रह जाए और वो बोल ना सके और पुरुषवादी सोच से या जो है जानकारी के अभाव में वो प्रताड़ित होती रहे, प्रताड़ना सहती रहे और जो है इसी सब चीजों को मिटाने के लिए और डर को कि हम पुलिस के पास जाएं या हम मदद किससे लें, पुलिस घर आएगी, पुलिस के पास हम जाएंगे, पुलिस हमारे घर आती है तो हमारे रिश्तों में, और जो मान लीजिए जो घरेलू हिंसा की महिलाएं हैं वो पुलिस के पास जाने से डरती हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हमारे घर आएगी, हमारे ससुर से, हमारे सास से, हमारे पति से पूछताछ करती है, थाने लेके जाके कार्रवाई करती है, तो ऐसे में हमारा रिश्ता और बिगड़ेगा। वन स्टॉप सेंटर में सबसे सर्वप्रथम अगर कोई घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं आती हैं तो सबसे पहले पति पत्नी की काउंसलिंग की जाती है और मामले को जो है सुलझाने का, काउंसलिंग के जरिए सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाता है। अगर उसके बाद जो है पति मानने को तैयार ना हो तब जो है आगे की कार्रवाई की जाती है।